गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके 100 सर। इस चैनल पे आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक, यानी जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रमुख चिन्ह हैं और प्रतीक हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो एसएससी के एग्ज़ाम में और आरआरबी यानी रेलवे के एग्ज़ाम में और अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं से संबंधित आज का ये हमारा वीडियो है। सो फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कमल का फूल ये किसका प्रतीक है? संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। उसके बाद आता है क्या, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जैसे ऐसे बना रहता है, ठीक है, रेड क्रॉस ऐसे बना रहता है तो किसका प्रतीक होता है? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक। जहाँ भी फ्रेंड्स ऐसा कभी देखे होंगे, कहीं कहीं ऐसा बना होगा, ऐसा कहीं कहीं देखे होंगे बना होगा, तो वो अगर रेड में बना है तो वो किसका प्रतीक है? डॉक्टरी या वहाँ पे या अस्पताल होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है क्या, हमारा लाल झंडा ये किसका प्रतीक है? कहीं भी देखिएगा अगर लाल झंडा फहर रहा है तो वो क्या है? क्रांति व खतरे का सूचक होता है। अब लाल झंडा किसका सूचक होता है? खतरे का भी। जैसे अगर ट्रेन जा रही है, अगर आप यहाँ पे कहीं लाल झंडा उसको फहरा ऐसे दिखा दिए, यहाँ से ट्रेन आ रही है और यहाँ पे आप दिखा दिए, तो उसको पता चल जाएगा कि आगे जाने पर खतरा है, तो इसलिए गाड़ी क्या होती है, ट्रेन रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हरा झंडा यहीं दिखा दे, हरा देखिए कभी कभी प्लेटफार्म पर हरा झंडा दिखाते हैं, तो हरा झंडा दिखाने का मतलब ये है कि आप लगातार आगे जाते रहिए, ठीक है। अब उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट है, अब लाल झंडा हो गया, उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है काला झंडा। काला झंडा क्या है? विरोध का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? विरोध का प्रतीक है। अब देखिए कहीं भी देखे होंगे काला झंडा, काला साफा बांध लेते हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, किसी अपोजिशन पार्टी या किसी चीज़ का वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अगर कोई काला झंडा फहरा रहा है तो यानी वो क्या कर रहा है, किसी चीज़ का विरोध कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब बात आता है हमारा पॉइंट नंबर 5 है क्या, पीला झंडा। कहीं भी देखे होंगे फ्रेंड्स किसी गाड़ी पे लगा हुआ या किसी पैदल जाते हुए, तो किसका प्रतीक है? संक्रमण रोग ग्रस्त, यानी जो बीमार व्यक्ति है उसका, उस पर लगे, अगर कोई भी वाहन जा रही है उस पर लगी है, तो इससे ये पता चलता है कि संक्रमण रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा होता है, ठीक है। ये कौन सा झंडा होता है? पीला झंडा होता है। उसके बाद अब देखते हैं हमारा उल्टा झंडा। कहीं देखे होंगे आप फ्रेंड्स उल्टा झंडा कभी कभी ऐसा होता है, भगवान चाहे ऐसा ना हो, वो किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक है। किसका? संकट का प्रतीक है, यानी जब संकट हमारे देश पे या किसी अन्य देश पे पड़ता है तो वो कहाँ से झंडा क्या होता है? उल्टा हो जाता है, ठीक है, झंडा उल्टा हो जाता है। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा पॉइंट नंबर 7 है, पॉइंट नंबर 7 है सफ़ेद झंडा। अब देखिए फ्रेंड्स कहीं भी देखे होंगे आप सफ़ेद झंडा कोई फहरा रहा है, या कभी के देखे होंगे आर्मी में भी अगर किसी एक्सीडेंट मतलब गोली लग जाती है तो उसको ले जाते हैं पहाड़ी वहाड़ी से, तो अपना एक सफ़ेद कपड़ा या रुमाल टांग देते हैं अपनी बंदूक पे, तो इससे लगता है कि वो संधि एवं समर्पण का प्रतीक होता है सफ़ेद झंडा, ठीक है। अब देखिए झुका झंडा, जो झंडा ऐसे झुक जाता है, जैसे ये हमारा तिरंगा, अगर कभी बाई दबे भगवान न करे ऐसा हो, ऐसा झंडा अगर झुक जाए तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, यानी राष्ट्र पे बहुत बड़ी आपदा थी यानी है, तो इसलिए वहाँ पे राष्ट्रीय शोक का प्रतीक हो जाएगा अगर झुका झंडा है, या किसी भी देश पे भी हो ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग कबूतर पक्षी देखे होंगे, आप लोग अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप जान जाइएगा कि जहाँ कबूतर पक्षी, कबूतर पक्षी का मतलब क्या है, वो शांति का प्रतीक है, क्योंकि देखिए कबूतर पक्षी ये है बहुत ही साधारण का होता है, वो कभी किसी से मतलब वो एकदम जान लीजिए एकदम शांत रहता है, न किसी से, लेकिन हाँ देखने में क्या लगता है, अच्छा लगता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, शांत का प्रतीक मानते हैं। अब इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, आँखों पर बधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री। देखे होंगे फ्रेंड्स कहाँ पर देखे होंगे, न्यायाधीश के पीछे, कहाँ पर? न्यायाधीश के पीछे। अगर तहसील है, ठीक है, या कोर्ट है,
वहाँ पे जो न्यायाधीश के पीछे या अगल बगल में रहता है, जो आँख पर बंधी पट्टी होती है, उसके बाद उसमें और एक स्त्री क्या की है, आँख पर बंधी पट्टी रहती है और हाथ में तराजू लिए एक स्मृति रहती है। तो किसका प्रतीक होता है? न्याय, और न्याय का प्रतीक होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम फिर मिलेंगे। हमारा नाइन शाम को 9 बजे एक आएगा मैथ का वीडियो, तो उसको भी देखिएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम पहले परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परसेंटेज स्टार्ट होने वाला है, तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने क्वेश्चन को एंजॉय करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपके सभी एग्ज़ामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी शाम को हमारा वीडियो 9 o'clock देखना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।